लगता है यही जगह है, रूम भी यही लग रहा है। यार ये सुबह सुबह कौन आ गया यार? एक तो पहले से ही मुझे इस हर्ष की वजह से नींद नहीं आती, पता नहीं घोड़े जैसे खराटे लेता है। आ रहा हूं यार, रुको 2 मिनट, उठने का मौका तो दो। अरे ये कोई गेट क्यों नहीं खोल रहा? अरे भाई खोलो गेट, खोलो जल्दी। हाँ भाई हाँ, आ रहा हूँ, क्या करते हो? ये बीच में टेबल किसने रख दिया? हाय हाय, कमर में लगी रे, अरे घुटने भी छिल गए। आ रहा हूँ भगवान, रुको तो, चोट लग गई। हाय हाय, ओए होए। अरे आप कौन हो आंटी? आंटी? आंटी होगी तुम्हारी मम्मी, हमको आंटी बोल रहा है। वैसे तुम हो कौन? अरे मैं कोई भी हूं, उससे आपको क्या, आपको क्या काम है वो बोलो ना। अरे हमसे भी ऐसा लड़ाता है बेटा? ऐसा सोतूंगी, ऐसा सोतूंगी कि मिजाज हरा हो जाएगा तेरा, समझा? वैसे मैं तुझसे बात कर क्यों रही हूँ? चल तू हट, मुझे अंदर आने दे, हट हट जल्दी। अरे अरे अरे, आप अंदर कैसे चली जा रही है? रुकिए हर्ष बेटा। अरे अरे, आप कैसे अंदर चली आ रही है बिना पूछे? अजीब औरत है हर्ष पे। बताओ, मैं यहाँ चीख चीख के मर रही हूँ और ये नालायक यहाँ पे सो रहा है। भगवान, घर हो या पीजी, इसे सोने के अलावा कुछ और आता है? और खराटे लेने में, खराटे लेने में तो बिल्कुल अपने बाप पे गया है। उठ हर्ष बेटा, उठ उठ उठ। आंटी एक सेकेंड, ये कैसे उठेगा वो मुझे पता है। कैसे? अभी उठाता हूँ। अब देखो कैसे उठता है। यार रौनक, फैन क्यों ऑफ कर दिया तूने? गर्मी हो रही है। मम्मी, आप मतलब आप यहाँ कैसे, क्यों, मतलब आप कैसे आ गए यहाँ पे? कैसे मतलब? तुझसे मिलने का मन किया तो आ गई ट्रेन पकड़ के। ओह अच्छा, नहीं अच्छा कि आप आ गए। वैसे ये नूडल जैसे बालों वाला कौन है? ये मेरा रूममेट है रौनक। रौनक ये मेरी मम्मी है। ओह अच्छा, नमस्ते आंटी। हाँ खुश रहो बेटा। अब वैसे मम्मी, आप कितने दिन के लिए आए हो? अरे ज्यादा दिन के लिए नहीं आई हूँ, यही कुछ 10 दिन। क्या 10 दिन? क्यों, क्या हुआ? अब कुछ नहीं, अब वो तो खुशी के मारे वो चीख पड़ा, खुश हो रहा है वो। हाँ खुशी के मारे मैं चीख पड़ा। अच्छा अच्छा, खुश हो रहा है। अच्छा 10 दिन आप हमारे साथ रहोगे? वाह वाह वाह। अच्छा वो सब छोड़, तू एक काम कर, तू फ्रेश हो जा, मैं हम दोनों के लिए मस्त कड़क चाय बना देती हूँ। मैं? अब हम दोनों के लिए सिर्फ। अच्छा ये चिलगोजा भी पिएगा? हम तीनों के लिए बना देती हूँ मैं। सुन, इस केटल में बना लूँ? हाँ हाँ बना लो उसमें आप चाय। ठीक है बना देती हूँ। ऐसी चाय तुम लोगों को बना के पिलाऊंगी कि मन खुश हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक केटल में क्या कर रहा है? अब
एक्चुअली मम्मी वो क्या है ना, यहाँ दिल्ली में 2 दिन से बारिश बहुत हो रही थी तो मेरे सारे चड्डी बनियान गीले थे, तो इसलिए मैंने उस केटल में सुखाने के लिए डाले थे। मैंने रौनक को बोला था रौनक निकाल लेना, तूने निकाला नहीं? अरे अरे हाँ हर्ष, तूने तो मुझे बोला था। ये भगवान, भूल ही गया मैं, मेरे को बोला था आंटी उसने, मैं भूल गया। अच्छा अगर बेटा तू इलेक्ट्रिक केटल में कपड़े सुखाता है तो इस्त्री से चाय बनाता होगा। नाइस नाइस जोक। मैं बोल रही हूँ बेटा तू इस चिलगोजे के साथ रह रहे के पागल हो रहा है क्या? छोड़ दे इसको। अब ऐसा नहीं है मम्मी, एक्चुअली मेरी इस्त्री खराब हो गई थी तो इसलिए मैंने वो केटल में सुखाने के लिए डाले कपड़े। अगर बेटा इस्त्री खराब हो गई थी तो नई इस्त्री ले लेता, मैंने पैसे तो भिजवाए थे ना तुमको, क्या किया उन पैसों का? अरे वो पैसे, अरे आंटी वो पैसे तो हमने दा मतलब मम्मी वो उन पैसों से ना मैंने गरीबों को खाना पीना खिलाया। हाँ सस, गरीबों को खाना पीना कराया उससे। अच्छा अच्छा गरीबों को खाना खिलाया, ठीक है ठीक है, ये तो तुम लोगों ने अच्छा काम किया। कोई बात नहीं, मैं और पैसे दे दूंगी, तू नई इस्त्री ले लेना। लेकिन फिलहाल चाय कैसे बनेगी? आप मम्मी आप आराम करो, मैं आपके लिए चाय बनवाता हूँ। हाँ ठीक है बेटा। ओ चिलगोजे सुन। हाँ आंटी। मैं यहाँ पे आराम कर रही हूँ, तू जरा मेरा पैर दबा दे, बड़ी एकदम थकान हो गई, वहाँ से आई ना चल के आई, थकान हो गई मेरे को। क्या मैं ठीक है आंटी, आप बैठिए मैं दबा देता हूँ आपके पैर।